वेलकम टू स्पेड अर्निंग डॉट कॉम। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं कि 2020 में कौन कौन से आईपीओज आए हैं रिसेंटली और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, ताकि हमने आपको आईपीओ स्ट्रेटेजी बता रखी थी कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो नहीं स्टडी कर पा रहे हैं अलग अलग तरह के स्टॉक्स को, शेयर्स को, किस में पैसा लगाएं, तो वो सिर्फ ऐसा देख लें कि जो आईपीओ आए हैं जिनमें बहुत अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन रहा है, मार्केट में सप्लाई से ज्यादा डिमांड रही है, ऐसे स्टॉक लिस्ट हुए अच्छे से और फिर उन्होंने अपनी प्राइस को मेंटेन भी दिए किया और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, उसमें अगर हम अपनी पोजीशन बनाते हैं तो हमको आराम से एक इतना अच्छा रिटर्न मिल जाता है जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी कई सारे इन्वेस्टर मेंटेन नहीं कर पाते। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से आईपीओ है। नीचे से ऊपर की तरफ देखना शुरू करें कि साल के शुरुआत में आपको यहाँ पे नजर आ रहा था SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, फिर रोजर बायोटेक रहा, फिर यस बैंक है, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क है, हैप्पीएस्ट माइंड है, रूट मोबाइल है, केमकॉन स्पेशलिटी आया, उसके बाद में कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्विस आया, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी आया, एंजल ब्रोकिंग है, माजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड है और लिखिता इंफ्रा है। अब हम ये कॉलम्स को देख लें तो कॉलम्स में एक तो आप थर्ड नंबर का कॉलम देखेंगे इश्यू प्राइस वाला, और फिर लिस्टिंग डे पे कहाँ पे बंद हुआ था और अभी तक का प्रॉफिट लॉस क्या है, करेंट प्राइस क्या चल रही है। ये चीजें अगर गौर से देखने लग जाए तो हमको क्लियर हो जाएगा। तो अभी पूछ रहे थे भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या सीन है, 33 रुपीज की इश्यू प्राइस थी, ये 31 रुपीज पे अभी चल रहा है, 6% के डिस्काउंट पे कहीं तो था। तो इसमें अभी के अभी इसको खरीदना और कोई बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, तो आप इसको बड़े आराम से एक एक क्वार्टर में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इकट्ठा करें तो सोच सकते हैं, नहीं तो उससे बेटर दूसरे स्टॉक्स हैं हमारे पास। लिखिता इंफ्रा पे आप आते हैं, 120 रुपए पे इश्यू प्राइस था, 136 रुपीज पे लिस्ट हुआ और आज ये 148 चल रहा है। तो हमको यहाँ पे नजर आता है कि इसने मेंटेन किया है, लगातार परफॉर्म किया है, तो ऐसे स्टॉक अगर हम रखते हैं अगले 6 महीने से 1 साल के लिए तो 40 से 50% का एवरेज रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इश्यू प्राइस 554 था लेकिन ये 476 पे लिस्ट हो गया, फिर उसके बाद में थोड़ी रिकवरी दिखाई इसने 498 की। तो ये पूरा जो असेट मैनेजमेंट वाला ग्रुप है उस पर बड़ा प्रेशर है, इंश्योरेंस पे और असेट मैनेजमेंट पे काफी प्रेशर है, तो इसलिए ये भी परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन इस तरह के स्टॉक्स आगे चल के परफॉर्म कर लेंगे और एक ठीक ठाक रिटर्न दे देंगे, इसके चांसेस बनते हैं। पर अगर हम इस लिस्ट में से सिर्फ 3 को ही चुनना चाहे, 4 को ही चुनना चाहे, तो इसको अवॉइड भी अभी किया जा सकता है। माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में 145 पे इसने इशू किया, 173 चल रहा था, अभी 166 खड़ा है। तो यहाँ पे ये एक ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है कि न तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया इशू प्राइस से, न नीचे आया, मेंटेन करता रहा है। बाजार का प्रेशर भी जब आया, सेलिंग आई, तो भी इसने अपनी प्राइस को मेंटेन किया है, इशू प्राइस से अभी भी 15% का रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन इसको आपको रिटर्न दिखाने में ज्यादा टाइम लगेगा। एंजल ब्रोकिंग की बात करें, 306 रुपए का इशू प्राइस था, 275 पे लिस्ट हो गया, 225 तक चला गया था, 352 का हाई बना के 15-16% का रिटर्न इसने दिखाया अभी तक का। लेकिन इसमें रिटर्न आईपीओ स्ट्रेटेजी से ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि ये आपको 270 में मिल रहा था, फिर ये आपको 230 में मिल रहा था, और बाद में जब ये 330-350 बिका तो आपको रिटर्न मिल जाता है 30-40% का। तो जो चीज हम चाहते हैं वो यहाँ पे नजर आती है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आगे जाके, 1230 का इशू प्राइस है, 1401 का ही बनाने के बाद 1297 मेंटेन कर रही है। जब भी ये चलेगी एक तरफा चलेगी, ये 1300 रुपए से इस शेयर का 2000 रुपए के पार चले जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। केमकॉन स्पेशलिटी 340 रुपए का शेयर दिया था, 584 पे ये क्लोज हुआ। एक्चुअली तो इसने 730-740 रुपए का लेवल दिखा दिया था लेकिन वहां टिक नहीं पाया, 72% के प्रीमियम पे ये क्लोज हुआ और आज ये 21% का प्रीमियम यहाँ पे दिखा रहा है। तो केमकॉन में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बनते हैं, लेकिन रिस्क भी है, रिटर्न भी मिलेगा, आपको टुकड़े टुकड़े में पैसा लगाना है, इस बात का ख्याल रखना। रूट मोबाइल का तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ चुका है, 350 रुपए का शेयर, ये 651 पे 651 पे लिस्ट हुआ था 86% के प्रीमियम से, अभी 996 दिखा रहा है। एक्चुअली आज के बाजार में तो इसने 1096 रुपए, मतलब 1100 रुपए का लेवल दिखा दिया है, तो इसमें अच्छा पैसा बनने के चांसेस क्यों बने थे,
क्योंकि ये इश्यू प्राइस का जो क्लोजिंग प्राइस आया था 651, इसके नीचे तो नहीं गया लेकिन वहां तक चला गया था, और वहां से रिकवर करता करता ऊपर आया है और बहुत तेजी से रिकवरी दिखाई है। 680 का एक महीने पहले लेवल आ गया था और 1100 रुपए का अभी लेवल दिखा दिया। तो हम देख सकते हैं कि आईपीओ स्ट्रेटेजी में लिस्ट होने के बाद में, करेक्ट होने के बाद में 2 बार इसने प्रॉफिट दे दिया है। वो प्रॉफिट मिला के 50% से ज्यादा तो आ ही रहा है। 371 का हैप्पीएस्ट माइंड, मतलब 166 में दिया, 371 लिस्ट हुआ 123% ऊपर, अभी भी 338 मेंटेन कर रहा है, 104% का रिटर्न नजर आ रहा है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स, ये 275 में दिया गया था इश्यू प्राइस, 303 पे लिस्ट हुआ, आज भी 305 मेंटेन कर रहा है, तो आगे चल के परफॉर्म करेगा, चांसेस बनते हैं। यस बैंक में हम कभी पॉजिटिव नहीं रहे थे, तो 12 रुपए से 16 रुपए का प्राइस आ गया था, लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। सबको एक्चुअली हुआ ऐसा कि यस बैंक का अभी रिसेंटली एक 75 रुपीज का हाई बना था, 7 रुपया खोने के बाद ये 70-75 रुपए हो गया था। जिन्होंने वो देख ली थी प्राइस, उनके दिमाग में वो चीज बैठ गई और वो निर्णय नहीं ले पाए। तो ध्यान रखना कि बाकी सब आईपीओज हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और यस बैंक एफपीओ था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो उसमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न एक्सपेक्ट करें ऐसा हो नहीं पाता है। रोजारी बायोटेक, ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला शेयर मुझे दिख रहा है, 425 का इश्यू प्राइस था, 742 पे लिस्ट हुआ और आज भी 795 मेंटेन कर रहा है। 74 की प्रीमियम, परसेंट की प्रीमियम थी और 87% का अभी भी प्रॉफिट दिखा रहा है। ये आने वाले समय में सबसे ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, इसके चांसेस बनते हैं। एसबीआई कार्ड का 755 पे इश्यू प्राइस था, 683 पे लिस्ट हुआ, 10% माइनस, लेकिन 799 जा चुका है, इसने परफॉर्मेंस दिखाया है, लंबे समय में ये परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ऐसे आप आईपीओ को स्टडी करते रहें और अपने डिसीजन लेते रहें। मैं सार क्या बताऊंगा इसमें से, अगर आप चाहते हैं कि 3 शेयर ऐसे जो हम अभी उसमें पोजीशन बनाना चाहें, तो रोजारी बायोटेक, एपीएस माइंड और तीसरा शेयर आप जो ले लेंगे वो होगा केमकॉन। ये शेयर है जिनमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लेना है तो लिखिता इंफ्रा के बारे में भी सोचा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अदरवाइज किसी को समझ में नहीं आता है चुनाव, तो सिंपली क्या कर सकते हैं वो, कि कुछ अच्छे शेयर्स जो मैं बता रहा हूं उनमें सपोज 30-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिया, जो कमजोर दिख रहे हैं इनमें बाकी उनमें 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिया और ये एक बुके रख के छोड़ दिया। देखना साल भर बाद आपको क्या रिटर्न आता है, और ये रिटर्न एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तो जिंदगी भर आप इसी तरीके से सिर्फ आईपीओ में पैसा लगा के भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं आपको कि आईपीओ के लिए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की कैपिटल निकालो और अलॉटमेंट का इंतजार करो। और फिर सोचिए किसी के साथ ये भी हुआ होगा कि केमकॉन को उन्होंने 730 रुपए पे बेचा नहीं और अब 410 रुपए पे देख के रोना आता होगा कि भाई क्या मौका चुका है। और ऐसे में कोई इंसान अभी ही एक एक महीने की गैप से इकट्ठा कर रहा था, तो 550 रुपए में भी बाइंग हुई है, 470 रुपए में भी बाइंग हुई है, 400 रुपए में भी बाइंग हुई है, और केमकॉन अभी से उनको प्रॉफिट में नजर आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सजेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए। संडे को 8 नवंबर को 2 to 3 हमने एक किक स्टार्ट कोर्स रखा है, जिसमें 10 मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट के लिए, कमोडिटी के लिए, करेंसी के लिए, 3 in 1 कोर्स सिर्फ 199 की नॉमिनल फी पे हम लोग दे रहे हैं, और उसके साथ में 999 का पीडीएफ बुक साथ में गिफ्ट किया जा रहा है। ये दिवाली ऑफर है, हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, लेकिन कुछ न कुछ नॉमिनल कंट्रीब्यूशन के साथ आप हमारे साथ जुड़ पाते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। सो दोस्तों ज्वाइन कीजिए, आप बहुत अच्छा पैसा उससे बनाएंगे। मेन चीज ये है कि कई बार लोग शुरुआत करने में घबराते हैं, तो शुरुआत आप आराम से कर पाएंगे, यही हमारा नजरिया है, इसलिए हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे आईपीओ डिटेल और स्टॉक कोर्स होता है, आप इसको क्लिक करके उसकी डिटेल में जा सकते हैं किसी स्टॉक की। तो जैसे मैंने यहाँ रोजारी बायोटेक को क्लिक किया है, तो अब इसका यहाँ चार्ट भी सामने आ जाता है, आपको 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का चार्ट देखने को मिल रहा है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो अभी तो करेक्शन के लेवल पे ही जा रहा है, इसने हाई जो बनाया है वो तो 850 830 के आसपास का है, कई बार नीचे आया है, रिकवर हुआ है, तो इस स्टॉक में चांसेस बहुत है। हम
इसमें पूरा फायदा उठाएं, इसके चांसेस बनते हैं। तो रोजारी का एसआईपी की जा सकती है कम से कम अगले 6 महीने या 1 साल के लिए, और वहां पे इसका इकट्ठा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकला जा सकता है। तब तक कोई अच्छा आईपीओ आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, और उसमें आप फिर से नए प्रॉफिट की कहानी शुरू कर देंगे। विजिट करें www.speedearning.com और साथ में विजिट करें stockforexcourse.com वेबसाइट, जहां पे ऑनलाइन पेमेंट करके वहीं से आप कोर्स को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।